देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांवड़ मेला शुरू होने में अब केवल एक सप्ताह का समय ही बचा है। ऐसे में जिला प्रशासन एड़ी चोटी का जोर लगाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ कांवड़ मेले को लेकर जिला अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब नगर निगम भी कांवड़ मेले को लेकर तैयारियों में जुट गया है। तैयारी को लेकर मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने जानकारी देते हुए बताया है कि करीब 2 साल से कोरोना काल के चलते कांवड़ मेला स्थगित किया गया था। इस बार कांवड़ मेला दिव्य और भव्य हो, इसकी तैयारी लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि शिव भक्त भी इस बार कांवड़ मेले को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसे में कांवड़ मेले में अतिरिक्त संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसके चलते पूरा प्रशासन महकमा अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि पूरा मेला क्षेत्र को हरिद्वार नगर निगम की ओर से 6 जोन में बांटा गया है और हर 2 किलोमीटर की दूरी पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अस्थायी शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान 200 शौचालय बनाए जाएंगे और हर कार्य 10 तारीख तक पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जब कांवड़िए यहाँ पर आते हैं तो बहुत सारी गंदगी फैला देते हैं, जिसके चलते नगर निगम ने 1 किलोमीटर की दूरी पर सफाई करने के लिए एक कर्मचारी नियुक्त किया है, ताकि गंदगी को तत्काल साफ किया जा सके। कांवड़ मेला को लेकर जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सभी अधिकारियों को अपने अपने विभागों के कार्य जल्द से जल्द संपन्न करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते सभी अधिकारी अपने अपने विभाग के कार्य को पूरा करने में जुटे हुए हैं। हरिद्वार से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। कांवड़ मेले में जिस तरह से इस बार प्रस्तावित है कि विगत 2 वर्षों से कांवड़ मेला नहीं, कोविड की गाइडलाइन की वजह से नहीं यहाँ पर बनाया गया, तो इस समय जो हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया कि काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर कांवड़ियों का आगमन होना प्रस्तावित है, तो उसके तहत हम लोगों ने नए नए पूरे हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र को 6 जोनों में डिवाइड किया गया है और उसमें हम लोगों ने जहाँ पर टॉयलेटरीज हमारी ऑलरेडी पहले बनी हुई है और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम लोग टेम्परेरी टॉयलेट्स हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया, जो कि 10 तारीख तक हमारे काम खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे हम लोग 200 टॉयलेट्स बना रहे हैं। हर हमारा प्लान ये है कि हर 100 मीटर या 200 मीटर पे हम लोग एक महिलाओं के लिए और एक पुरुष के लिए एक शौचालय की व्यवस्था कर सके। उसके अलावा क्योंकि जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, कांवड़िए आते हैं, तो काफ़ी गंदगी भी होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने हर 100 मीटर पे एक आदमी को डिप्लॉय किया है, जिससे कि गंदगी को तत्काल हटाया जा सके। तो इस तरह से पूरा नगर जिलाधिकारी महोदय की कैप्टनशिप में ही पूरी टीम काम कर रही है और हम लोग सभी जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी को काम आवंटित किए गए हैं, तो सभी टीमें अपना कार्य कर रही हैं और हमारा ये प्रयास है कि कांवड़ मेला शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। थैंक यू मैम। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।